जिला प्रशासन के द्वारा गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बुधवार को होने वाले नामांकन की तैयारियां पूरी हुई, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नामांकन के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा पूरा नामांकन CCTV कैमरे की निगरानी में सम्पन्न होगा, जिसके लिए कमिश्नरी गेट से कमिश्नरी कोर्ट तक CCTV कैमरा लगाया गया है। नामांकन आयुक्त न्यायालय में होगा, जो कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा, जो कि 5 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। 13 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 16 जनवरी तक पर्चों की वापसी होगी। उन्होंने कहा 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और 2 फरवरी को मतगणना होगी। सभी प्रत्याशी बैरिकेटिंग वाले रास्ते से ही आकर आयुक्त न्यायालय में नामांकन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, उनसे कहा कि ऐसा है आपकी सूचना जो आई है जिसमें अधूरी है, मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। हेलो, हाँ नमस्कार, गौरव बोल रहा हूँ। कम हाँ कह रहे हैं ऐसा हमसे बोल रहे हैं महाराज। हाँ हाँ सर, तो उसमें इसमें कुछ संशोधन है। चुनाव के लिए गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक विधान परिषद क्षेत्र में जो है, यहाँ हमारे आयुक्त न्यायालय में कल दिनांक 5 तारीख को 5 जनवरी को 11 बजे से 3 बजे से के बजे मध्य जो है नामांकन होगा, और ये 12 तारीख तक 12 जनवरी तक ये नामांकन रहेगा, और 13 तारीख को जो है इसकी जांच होगी, और 16 तारीख को नाम वापसी तक की तिथि है। सर वोट ये जो है मतदान की तिथि 30 जनवरी है, और ये सुबह 8 बजे से 4 बजे के मध्य होगा, और इसकी मतगणना 2 तारीख को होगी। यहाँ पे सर क्या तैयारियाँ की गई हैं लोगों के आने के, किस तरह से आएंगे? हमारे जो है एक गेट से जो है बैरिकेटिंग की गई हुई है, जितने भी हमारे प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक जो है इसी एक गेट से आएंगे जिसमें बैरिकेटिंग की हुई है, और सीधे हमारी कोर्ट की तरफ से आएंगे। यहाँ पर जो है 8 जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसकी देख रेख में पूरा का पूरा नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। सर